क्या हाल है दोस्तों। इस सबसे पहले तो आज का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक, खासतौर पे हमारे सारे किसान दोस्तों को और जिन लोगों ने भी उसका समर्थन दिया वो सब, और बाकी भी सारे देश के लोगों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। उसी के सिलसिले में हमारे एक मित्र हैं राजेश निर्मल, उन्होंने एक कविता लिखी है, मुझे लगा कि आज के दिन अभी ये शेयर करनी चाहिए सबके साथ, तो मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ, एक बार सुनिए। चींटियां सब उठा ले जाती हैं, चींटियां सब उठा ले जाती हैं, बारीक नजर आने वाली चट्टान घसीटे जाती हैं, चींटियां सब उठा ले जाती हैं। सरकारी चीनी की बोरी जो छिपकर बेची जाती है वो बड़े हक से उसमें भी अपना हिस्सा लगवाती हैं, चींटियां सब उठा ले जाती हैं। बड़े बड़े मकोड़े जो उड़ते हैं इतराते हैं, पेट भरा होता है फिर भी जान मार कर खाते हैं, जब हो जाते हैं घायल उनको जिंदा ढो ले जाती हैं, चींटियां सब उठा ले जाती हैं। कहते हैं हमारे गांव के बच्चे चींटियां हवाओं में रहती हैं, जैसे पुरवाई में रहती है नमी, वो लंबे चौड़े मजबूत पेड़ को मिट्टी में पटक मिलाती हैं, चींटियां सब उठा ले जाती हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी इंसान, जिसने जमाए हैं जमीनों पर कब्जे, खींची हैं बड़ी बड़ी सरहदें, वो उसकी जमीन खोदती हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाती हैं, चींटियां सब उठा ले जाती हैं। नजर में आ जाए तो बड़ी आसानी से कुचल दी जाती हैं, फिर भी निडर होकर अपना हिस्सा उठाने आती हैं, याद रखना झुंड में आती हैं और चींटियां सब उठा ले जाती हैं। ये राजेश निर्मल जी की कविता है, बताइएगा आप लोगों कैसे लगे। धन्यवाद।